guys, my name is Khushbu. My name is Shahrukh. Welcome back with another episode of Top Trending News of the Day from Team APN Internet. तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में। आज एप्पल के सीईओ ने ये कहा है कि वो इंडिया की मदद करना चाहते हैं इस कोविड क्राइसिस में। क्या कहना चाह रहे हो? एप्पल का फोन देने वाले हैं? एप्पल में फोन तो नहीं देने वाले, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो फाइनेंशियली इंडिया की मदद करने वाले हैं इस कोविड क्राइसिस में। खैर ये तो अच्छी खबर है, लेकिन मेरे लिए दुखद खबर, मुझे लगा कि एप्पल का फ़ोन देने वाले हैं। तो मेरे पास शाहरुख एक न्यूज़ है। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हर्षदीप पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया अलग अलग कंट्रीज से 10,636 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पिक करेगा और वो इंडिया में लेके आएगा, ताकि जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाया जा सके। चलिए न्यूज़ सुन के मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो बाहर हॉस्पिटल में इस टाइम पे ऑक्सीजन को लेने के लिए लाइन लगी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने ये कहा है कि उन्होंने 34% का डिक्लाइन देखा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, क्योंकि पिछले साल और इस साल कई ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेले गए हैं। और आईपीएल पिछली साल और इस साल में कितना फ़र्क है, लोग स्टेडियम में नहीं जा रहे हैं, घर में देख रहे हैं। कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है घर में से देखना आईपीएल को। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। खैर इससे अपोजिट मेरे पास एक खबर है। जिस तरीके से कंपनियां कह रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हुआ है, परेशान है, लेकिन कैस्ट्रोल ऑयल ने एक धमाकेदार न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल उनका प्रॉफिट डबल हो गया है और उनका जो सेल है वो 7% राइज हुआ है इसमें। तो चलिए ये तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सोचने वाली भी है। जब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो कैस्ट्रोल का जो प्राइस है, I mean, जो सेल्स है वो बढ़ गई है। चलिए वो अच्छी न्यूज़ है, खैर उनकी माया वही जाने। बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं एक न्यूज़ के बारे में। गुच्ची जो इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड है और फेसबुक ने साथ मिलकर एक लॉ सूट फाइल करा है एक इंसान के ऊपर जो कि फेक गुच्ची की क्लोथिंग बेच रहा था फेसबुक के ऊपर। तो इससे रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं और उस बंदे पे जो ये लॉ सूट फाइल हुआ उसके ऊपर बहुत मोटा चार्ज लगाया है। और एक बात बताता हूँ खुशबू, ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो फेक क्लोथिंग पहनते हैं ब्रांड्स की, लेकिन उन पर कोई एक्शन होता ही नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। खैर शाहरुख तुमने ब्रांड चिल्लाने वालों का दिल आज तोड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, जो सच है वो तो सच है। तो ठीक है, सैमसंग ने भारत में एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। तो सैमसंग ने कहा है कि इंडिया में 5G का पहला ऐसा फ़ोन है जो सबसे कम दाम में मिलने वाला है। इसका दाम है 21,999 और इनका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 19,999 है। चलिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मतलब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर। तो बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेल ये कहा है कि वो ऑक्सीजन जो है उनके पास अभी मतलब बहुत सारा है, बट वो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहे ऐसी कई जगहों पे, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर नहीं है। तो शॉर्टेज कहीं ना कहीं आ ही रही है, या फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड या फिर टैंकर से रिलेटेड। ये शॉर्टेज कभी वाइस वर्सा चल ही रहा है यार। शॉर्टेज तो बहुत सारी चीज़ों का है शाहरुख, वैक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन टैंकर की बात कर लो। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरे पास एक खबर है शाहरुख, जिस तरीके से स्टेट में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कुछ लोग उस लॉकडाउन से बचने के लिए गोवा की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब गोवा सरकार ने बोला अपने घर की तरफ भागो। गोवा सरकार ने वहाँ पे 3 मई तक, यानी कि कल से 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। अब वहाँ पे भी कोरोना कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई अब आप गोवा में चिल आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए तो अच्छी बात है, इस टाइम पे सबको घर में ही रहना चाहिए, घर में ही बैठ के थोड़ा सा चिल करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए बात कर लेते हैं टोयोटा कंपनी की। टोयोटा कंपनी ने कहा है कि वो एक लिफ्ट नाम की कार है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि लेके आने वाले हैं, और इस लिफ्ट को ख़रीदने के लिए उन्होंने $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है ऑटो सेक्टर में भी, और ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार है जब इंडिया के रोडों पे दौड़ेंगी तो अलग ही एक नज़ारा होगा। बिल्कुल। खैर शाहरुख आज तो हमने बात कर ली एकदम हाईलाइटेड न्यूज़ की, जो बड़ी बड़ी खबरें थी आज की, लेकिन जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि 1 मई से इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 18+ वालों का। तो उसके लिए आज 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको www.cowin .com पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वैक्सीन मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा ज़्यादा मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि मास्क अपने फेस से बिल्कुल मत हटने दें, सैनिटाइज़र से आप बिल्कुल बार बार हाथ धोएं और 2 गज़ की दूरी हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको कोविड से बचा सकती हैं। तो चलिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू हैव एनी पीआर रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।